जम्मू कश्मीर के पुलवामा हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को यूपी के झांसी में आगामी लोकसभा चुनाव की चुनावी संभावना सभा को संबोधित करने पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी पुलवामा हमले को लेकर पाकिस्तान पर जमकर हमलावर होते हुए बोले, आज देश बहुत उद्वेलित और दुखी है। आप सभी की भावनाओं को मैं भलीभांति समझ पा रहा हूँ। हमारे जवानों ने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी, उनका यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। सुरक्षा बलों को आगे की कार्रवाई के लिए समय क्या हो, स्थान क्या हो, स्वरूप कैसा हो, ये सब तय करने की पूरी इजाज़त दे दी गई है। पुलवामा हमले के गुनाहगारों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के पीछे जो भी गुनहगार है, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। हमारा पड़ोसी देश अगर ये समझता है कि जिस तरह के कृत्य वो कर रहा है, जिस तरह की साजिश रच रहा है, उससे भारत में अस्थिरता पैदा करने में सफल हो जाएगा, तो वो ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे। वो कभी ये नहीं कर पाएगा और न कभी ये होने वाला है। 130 करोड़ हिंदुस्तानी ऐसी हर साजिश, ऐसे हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। पुलवामा हमले के बाद अभी मनस्थिति और माहौल दुख के साथ आक्रोश से भरा हुआ है। ऐसे हमलों का देश डटकर मुकाबला करेगा, यह देश रुकने वाला नहीं है। इस हमले का देश एकजुट होकर के मुकाबला कर रहा है। देश एक साथ है, देश का एक ही स्वर है और यही विश्व में सुनाई देना चाहिए, क्योंकि लड़ाई हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।